बच्चों का लहू लुहान चेहरा जो तुम्हारे गुंडों ने घुस करके चेहरों पर नकाब लगा करके उन बच्चों को मारा है, हम उन बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर आए। मेरी आंखों ने समस्तीपुर के उस बेटे को देखा है जो जामिया में उस दिन मौजूद था जिस दिन पुलिस की लाठियां बरसी और उसकी एक आंख फूट गई, वो समस्तीपुर का बच्चा है। मैं तो अमित शाह साहब से कहना चाहता हूँ कि अमित शाह साहब, हो सकता है हम आपके राजनीतिक खांचे में फिट ना बैठते हो सकता है हम आपको अच्छे ना लगते हो, लेकिन रिश्तों की ये नाजुक डोरी थोड़ी थोड़ी जाती है, अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती है। आपकी पुलिस किसके इशारे पर निहत्थी लड़कियों पर लाठियां बरसा रही है? देश का प्रधानमंत्री चैनलों पर बैठ के कहता है कि बेटी बचाओ, नारा कहता है कि बेटी बचाओ, लेकिन वो ये कहना भूल जाता है कि उसी की पुलिस से और उसी के विधायकों से बेटी बचाओ ये नारा देना वो भूल जाते हैं। दरअसल वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मकसद उनका कुछ और होता है। वो अब कह रहे हैं कि लाओ सर्टिफिकेट दो। रामलीला मैदान में खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, देश में एनआरसी पे तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। उधर अमित शाह साहब क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहते हैं कि पहले सीए आया है, उसके बाद एनआरसी आएगी, उसके बाद जितने घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। किसको घुसपैठिया बोल रहे हो अमित शाह साहब? इस देश का किसान घुसपैठिया है जिसके पसीने से, इस मिट्टी से जो अनाज उगता है उससे तुम्हारे अडानी और अंबानी के खजाने अपना तीर लेकर के जंगलों की हिफाजत करता है, तब इस मुल्क की आबो हवा स्वच्छ रहती है। वो आदिवासी घुसपैठिया है, वो मजदूर घुसपैठिया है जो अपना पसीना इस मिट्टी में मिलाता है, बिल्डिंगों में मिलाता है, तब हिंदुस्तान खूबसूरत लगता है। वो मजदूर घुसपैठिया है, वो दलित घुसपैठिया है जो सदियों से जुल्म झेल रहा है, तुम्हारे वजूद से पहले हिंदुस्तान में उसका वजूद है, वो दलित घुसपैठिया है और तुम्हें हम घुसपैठिए लगते हैं। हम घुसपैठिए नहीं है, हमें चाह कहा घुसपैठिया तुम्हारे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है जो म्यांमार में पैदा हुए थे, वो घुसपैठिए हैं, हम घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए जावेद नहीं है, घुसपैठिए जहांगीर नहीं है, घुसपैठिए आडवाणी है जो 48 में सिंध से चल करके हिंदुस्तान आए थे, इसके बाद यहाँ पे राजनीति शुरू करी थी। हम घुसपैठिए नहीं है, हम तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने सीने से लगा के रखने वाले लोग हैं, हम महात्मा गांधी के उसूलों पर चलने वाले लोग हैं, हम मौलाना आजाद की उस बात को याद रखने वाले लोग हैं जब उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के कहा था कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहाँ तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं, ये जमुना का किनारा है जहां तुमने वजू किया है। उस बात को अपने दिल से लगा लिया, हम उस बात पर यकीन करने वाले लोग हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि हम घुसपैठिए हैं, हमसे आप सबूत मांग रहे हैं कि हम आपको आधार कार्ड दिखाएं, पैन कार्ड दिखाएं, पासपोर्ट दिखाएं, जन्म प्रमाण पत्र दिखाएं। अगर आपको देखना है हमारा आधार कार्ड, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा आधार कार्ड क्या है, माइक थोड़ा सा इसका, इसकी बैटरी डाउन है क्या? अच्छा शॉर्ट लगा रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जो चल रहा है इससे काम चलाते हैं, तब तक आप बेहतर कर लो। वो हमसे कह रहे हैं कि हम घुसपैठिया हैं और हमसे सबूत भी मांग रहे हैं। लखमनिया वालों, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में जाकर के ऐलान ये कह रहा हूँ कि अमित शाह साहब, अगर आपको हमारा आधार कार्ड देखना है तो जाइए देखिए ताजमहल, ताजमहल हमारा आधार कार्ड है। अगर आपको हमारा पैन कार्ड देखना है तो जहाँ आप रहते हैं वहां से थोड़ी दूरी पर एक कुतुब मीनार खड़ा है, जाइए देखिए उसे, वो है हमारा पैन कार्ड। अगर आपको हमारा जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो चाहिए लाल किले की दीवारों से पूछिए, वो है हमारा जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपको हमारा जन्म स्थान जानना है, आप ये कह रहे हैं कि हम अपना जन्म स्थान बताएं, तो आप जहां सोते हैं, जहां रहते हैं, वहां से 2 किलोमीटर दूर जामा मस्जिद जाइए, वहां की सीढ़ियां है हमारा जन्म स्थान, हम किसी कीमत पर इस बार झुकने के मूड
में नहीं है, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बात को डरना नामुमकिन, इस बात को बात वजूद की है। इस बात को डरना नामुमकिन, इस बात को बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझोगे डर जाएंगे तुम।